बालों को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करती, शाइन भी चाहिए, स्मूथ भी चाहिए, ब्राइटनेस भी चाहिए, और उसके लिए कभी ये शैम्पू तो कभी ये कंडीशनर, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे की वजह नहीं जानी। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज की अगर आप केयर करती हैं तो आपके बाल अपने आप ही खूबसूरत हो जाएंगे, और वो है स्कैल्प केयर। तो आज आपके ब्यूटी पार्लर में जानेंगे कैसे स्कैल्प केयर से आप अपने बालों को ब्राइट, खूबसूरत और स्मूथ बना सकती हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप अपनी स्कैल्प का केयर, उसे जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं हमारी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शायला अग्रवाल जी के पास। हेलो मैम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। मैम, सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्प आखिर होता क्या है। स्कैल्प वो है जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है। स्कैल्प में ही बालों की जड़ें होती हैं, और स्कैल्प ही सतह है जहाँ से बाल उग रहा है, जहाँ से गिर रहा है, जो ऑयली हो रहा है, ड्राई हो रहा है। बाल तो एक डेड टिश्यू है, काम तो स्कैल्प ही कर रहा है। हम अपने हेयर की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, कुछ ये शैम्पू, ये कंडीशनर, सब कुछ करने को तैयार होते हैं हेयर के लिए, लेकिन अगर हम स्कैल्प की बात करें तो उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं या फिर उसकी कैसे केयर कर सकते हैं। स्कैल्प जो है उसमें से स्किन लगातार निकलती जा रही है। लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि हमें डैंड्रफ है, हम हाथ लगाते हैं तो नाखून के नीचे डैंड्रफ आ जाता है, लेकिन ये तो वो स्किन है जो निकल रही है, तो अगर आप कहीं भी खुजाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके नाखून में आ जाएगा। ये स्कैल्प की स्किन है। स्कैल्प को साफ रखना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शैम्पू जो है वो स्कैल्प के लिए होता है, और कंडीशनर जो है वो बालों के लिए होता है। तो मतलब हम स्कैल्प की केयर कर सकते हैं शैम्पू और कंडीशनर से। बिल्कुल, स्कैल्प की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कैल्प साफ नहीं है तो आपके बालों की जड़ वीक हो जाएगी, बाल जल्दी निकलने लगेंगे। स्कैल्प बहुत ऑयली है और आप साफ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर बाल भी चिपचिपे लगने लगेंगे। स्कैल्प ड्राई है तो इवन भवों के ऊपर भी, लोगों की पलकों पर भी डैंड्रफ आने लगता है। तो केयर तो आपको स्कैल्प की ही सीखनी पड़ेगी। तो जैसे आपने बताया ड्राई हो, ऑयली हो, अगर ड्राई स्कैल्प है तो ड्राई स्कैल्प को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ड्राई स्कैल्प ज़्यादातर उन लोगों की होती है जहाँ पर फ्लेकिंग ज़्यादा होती है, और जिनकी ड्राई स्कैल्प होती है उनकी ओवरऑल स्किन भी ड्राई होती है। यहाँ पर जो अहमियत है वो मालिश की है। अगर आप ऑयल मसाज कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक माइल्डर शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा गर्म पानी से ना अपने बाल धोइए, स्कैल्प को ज़्यादा तंग ना कीजिए। उसके साथ साथ अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्कैल्प की ड्राइनेस को कम करने के लिए नट्स बहुत ही अहम हैं। अगर आप 4 बादाम रोज़ खा रहे हैं और आप लगातार खाते रहते हैं तो 2-4 महीने में आपको लगेगा कि स्कैल्प अब उतनी ड्राई नहीं रही। और अगर हम बात करें ऑयली स्किन जो होती है, मतलब ऑयली और ड्राई तो ज़्यादातर लोगों की रहती है। अब जैसे आपने ड्राई के बारे में बताया तो ऑयली के बारे में पूछना तो बनता ही है। तो अगर ऑयली स्कैल्प है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ऑयली स्कैल्प को ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑयल निकल रहा है, आप हटा दीजिए, ऑयल साफ हो जाएगा, स्कैल्प हेल्दी हो जाएगी। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि टीनेजर्स में हमेशा स्कैल्प ऑयली होती है। आपने देखा होगा कि टीनेजर्स में एक हल्की सी बॉडी ओडर भी ज़्यादा होती है, ये सब पसीने की वजह से रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि ऑयली है तो ज़िंदगी भर ऑयली है, ड्राई है तो ज़िंदगी भर ड्राई है। ये गलत है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हर डिकेड के साथ हमारी स्कैल्प चाहे कैसी भी रही हो धीरे धीरे ड्राई हो जाती है। अगर ऑयली हो रही है और आपको हर दूसरे दिन धोना भी पड़ रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे आपने बताया मसाज हमें रेगुलर करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, तो मसाज का क्या रोल होता है अगर हम अपनी स्कैल्प की केयर करनी है। मसाज का रोल एक्चुअली सिर्फ स्कैल्प केयर में है, बालों पे तो कुछ भी नहीं जा रहा है। जब आप हल्के हाथ से मसाज करते हैं, और वो भी आपको हमेशा फिंगर टिप्स से करना चाहिए, नाखून नहीं लगाने चाहिए, आप ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, और किसी भी जगह का जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, वहाँ पर टिश्यू में ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो कोशिश यही कीजिए कि हल्के हल्के हाथ से आप अपने स्कैल्प की मसाज करें। जैसे कई लोग होते हैं जो स्टीम लेते हैं अपने हेयर्स को, अपने टॉल जो होता है उसके साथ हेल्प करते हैं स्टीम लेने में, तो वो काफ़ी सही रहता है स्कैल्प के लिए। स्टीम जब आप ले रहे हैं तो स्टीम का मकसद ये है कि वो पोर्स को ओपन कर रहा है, लेकिन अगर आप पोर्स को ओपन छोड़ देंगे तो उसके अंदर फिर धूल मिट्टी जाने लगेगी। अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो उसके बाद आपको कोल्ड शावर लेना बहुत 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 ज़रूरी है, और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, स्टीम लेने के बाद उन पोर्स को बंद नहीं करते हैं। इस वजह से दाने, इरिटेशन या फिर लोगों के सर में एक हल्की हल्की खारिश होने लगती है, जैसे कि डैंड्रफ भी हो जाती है कई बार इस तरह से। तो डैंड्रफ को अगर हमें हटाना हो स्कैल्प से तो वो कैसे हट सकती है। डैंड्रफ की जो दिक्कत होती है वो स्कैल्प की ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्या होता है कि स्कैल्प में से स्किन ज़्यादा निकल रही है, लेकिन अगर आपने उस वक्त उस पर एक्शन नहीं लिया फिर वो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, इचिंग भी हो जाएगी, बाल गिरने लगेंगे।
सबसे पहला एम डैंड्रफ कंट्रोल का होता है फ्रीक्वेंट वॉशिंग। आप जितना सर धो रहे हैं, अगर आप अल्टरनेट डे धो रहे हैं तो उसे रोज कीजिए। अगर आप रोज कर रहे हैं तो उन बालों को अच्छी तरह से सुखाइए। 2 हफ्ते तक अगर इसके साथ डैंड्रफ ठीक नहीं हुआ तब जो बाजार में एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। ये तो आपने बताया कि इससे डैंड्रफ को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा जो हम चाहती हैं वी वुमेन्स के हमारे बाल बहुत हेल्दी हो, शाइन हो, लंबे हो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो ये कैसे हम कर सकते हैं? मतलब स्कैल्प अगर हमारी क्लीन हो तो कैसे स्कैल्प हमारी मदद कर सकता है हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ में? बालों की ग्रोथ में पहले ये बता दूं, उन लोगों में थोड़ी सी कम हो जाती है जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ पर फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो अगर आपको साइनस की दिक्कत रहती है तो रेगुलर स्टीम लेके वहाँ से साइनस क्लॉगिंग को दूर कीजिए। खाने पीने की अहमियत स्कैल्प की हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोशिश ये करना है कि विटामिन B7 साल में कम से कम एक बार तो लेना ही लेना है। ये हरे पत्तों की सब्जियों में या फिर एस्पैरेगस में, लहसुन में, उसमें होता है, लेकिन अगर आप केमिस्ट के पास जाके B7 मांगेंगे वो आपको दे देगा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही छोटा सा आपसे टिप मांगने वाली हूँ कि कोई होम रेमेडी जिसे खा के या लगा के हमारी स्कैल्प एकदम साफ रहे, हमारे बाल एकदम चमकते रहें। होम रेमेडी सबसे ज़रूरी यही है कि बालों की सफाई रखिए। अगर हल्का सा डैंड्रफ रहता है, मेथी दाना एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएंट होता है। मेथी दाने को रात भर भिगो के रखिए और फिर उसी पानी में उसे उसका पेस्ट बना लीजिए। आधे घंटे तक अगर आप जड़ में लगा के उसे निकाल देंगे आपकी स्कैल्प बहुत ही साफ रहेगी और बाल भी शाइनी रहेंगे। कोई ज़्यादा टिप देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? अपनी स्कैल्प की अहमियत को समझिए। बाल हमेशा स्कैल्प से ही ग्रो कर रहा है, नीचे से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप मसाज रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो बाल कुदरती अपने आप अच्छे लगेंगे। थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू। तो इन सभी बातों को ध्यान में दीजिए, अपने माइंड में रखिए, और फिर अंशुल एक बार फिर हाजिर होगी आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन, सिर्फ प्रज्ञा पर।